हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। अभी एक न्यूज़ में शाओमी ने दावा कर रहे हैं 1 महीने में बेचे हैं 85 लाख से ज़्यादा स्मार्टफोन। शाओमी ने इस त्योहारी सीज़न में कितने स्मार्टफोन बेचे, इस सवाल का जवाब मिल गया है। शाओमी ने दावा किया है कि वह 1 महीने में 1.2 करोड़ डिवाइस बेचने में सफल रही है। 1.2 करोड़ डिवाइस बेचने में 85 लाख से ज़्यादा शाओमी स्मार्टफोन बिके हैं। बताया गया है कि सेल के हिसाब से पिछले साल के त्यौहार सीजन की तुलना में करीब कंपनी ने 40% की वृद्धि दर्ज की है। शाओमी द्वारा जारी किए गए यह सेल का आंकड़ा 28 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच का अवधि का है। इस दौरान अमेजन, फ्लिपकार्ट और शाओमी की अपनी वेबसाइट पर दिवाली सेल आयोजित हुई थी। ग्राहकों को लुभाने के लिए शाओमी ने अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट पर छूट दी गई थी। सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट को मिलाकर सेल में वृद्धि 40% की थी, लेकिन शाओमी के स्मार्टफोन की सेल में वृद्धि 37% दर्ज की गई। शाओमी का दावा है कि इस अवधि में 85 लाख से ज़्यादा स्मार्टफोन बिकना एक रिकॉर्ड है। किसी और कंपनी ने यह आंकड़ा नहीं छुआ। स्मार्टफोन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिक्री रेडमी नोट 7 सीरीज के स्मार्टफोन की हुई। अमेजन दिवाली सेल के दौरान 10 से ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन में से 9 शाओमी के थे। बता दें कि रेडमी नोट 7 सीरीज के 3 फ़ोन भारतीय मार्केट में उपलब्ध था। रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7S, रेडमी नोट 7 प्रो। बजट सेगमेंट में रेडमी 7 और रेडमी 7A अमेजन इंडिया की साइट पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली डिवाइस रहे। चीन की इस टेक्नोलॉजी कंपनी ने बताया कि इस 1 महीने में 6 लाख से ज़्यादा शाओमी स्मार्टफोन टीवी बेचे में कामयाबी हुए। बीते साल की तुलना में उसने 48% वृद्धि दर्ज की। कुछ दिन पहले शाओमी ने ऐलान किया था कि वह 5 लाख से ज़्यादा शाओमी टीवी बेचने में सफल रही। इसके बाद कुछ दिनों में 1 लाख से ज़्यादा यूनिट और बिके। शाओमी का दावा है कि मी टीवी रेंज अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सबसे ज़्यादा बिकने वाले टेलीविज़न रहे। शाओमी ने मी इको सिस्टम और एक्सेसरीज सेगमेंट में 3 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे। बीते साल की तुलना में यह 42% ज़्यादा है। अमेजन पर मी बैंड रेंज, मी पावर रेंज, मी एयर प्यूरीफायर 2S सबसे ज़्यादा बिके। सेल के दौरान मी स्मार्ट वाटर प्यूरीफायर कुछ मिनटों में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो यह थी दोस्तों एक शाओमी का कुछ लेटेस्ट वर्जन, मतलब अपडेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, यानी सब्सक्राइब कर बिल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।